सरफराज, मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड 2019-21 वाले सत्र का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम यूपी बीएड एंट्रेंस के आंसर की रिजल्ट, काउंसलिंग, सरकारी सीट, प्राइवेट सीट और उन सीट के फीस के बारे में बात करेंगे और उसका कट ऑफ कितना जा सकता है इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा वो होता है वेटेज, वेटेज किसको कितना मिलेगा और कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने वेटेज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बीएड 2019 एंट्रेंस में कुल कितने लोगों ने एग्जाम दिया या कुल कितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। तो कुल 6,09,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। कुल कितने 6,09,000 लोगों ने आवेदन किया यूपी बीएड 2019 के लिए। इसमें से केवल कुछ ही परसेंट, लगभग इसमें से 5,66,000 लोगों ने एग्जाम दिया। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुल केवल 50,000 लोगों ने ही फॉर्म को सॉरी एग्जाम को छोड़ दिया। तो 6,09,000 लोगों ने फॉर्म डाला, 5,66,000 लोगों ने एग्जाम दिया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यह डबल है। पिछले वर्ष लगभग 3,00,000 फॉर्म डाले गए थे, इस बार उसका डबल 6,00,000 फॉर्म है। तो ये हो गया हमारी फॉर्म, कितने फॉर्म डाले गए। अब हम आगे बात करते हैं आंसर की पे। तो इसका आंसर की अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। अनुमान है कि 5 मई तक, आज आपका है 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में कभी भी इसका आंसर की इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकता है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की नहीं आया हुआ है। जो भी यूट्यूब चैनल पे दिखाए जा रहे हैं कुछ ही प्रश्नों के उत्तर में बताए जा रहे हैं और जो पूरे पूरे 200 प्रश्नों के आंसर की है जो विश्वविद्यालय जारी करेगा वो अभी तक नहीं किया है। 5 मई के अंदर यह आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने यह तय कर दिया है कि इसका रिजल्ट 15 मई के अंदर आ जाएगा। 15 मई के अंदर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया रिजल्ट का बात, कुल फॉर्मों की संख्या हो गया, आंसर की हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या आपका 100 प्रश्नों पे सरकारी कॉलेज मिल सकता है, क्या है उससे अधिक। हम कट ऑफ से पहले ये जान लेते हैं कि कुल सीट कितनी है। तो लगभग कुल सीटों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 2,00,000 प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को मिलाकर कुल 2,00,000 उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए, 2 वर्षीय बीएड के लिए सीट है, जिसमें से लगभग 7,300 सीट सरकारी है। ये गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट है, लगभग 7,300 सीट सरकारी है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे यूपी बीएड सरकारी कॉलेज, तो सरकारी कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। उसमें सरकारी विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय है साइट पे जाकर आप सर्च करेंगे सरकारी सीटों की संख्या, तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित जो भी कॉलेज है उनकी लिस्ट आ जाएंगी और उन कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं वो दिया रहेगा। आप उसे जोड़ेंगे तो लगभग 7,300 सीट सरकारी है। इसके अलावा लगभग 1,90,000 सीटों की संख्या प्राइवेट है। तो ये हो गए सीटों की संख्या कितनी है। तो समथिंग आप मान लीजिए अगर सीट बढ़ रही है तो यह सीट बढ़ के 10,000 हो जाएगा, सरकारी सीटों की संख्या 10,000 हो जाएगा, ये 2,00,000 हो जाएगा अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो। अब आगे हम बात करते हैं इसके कट ऑफ पे। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना कठिन है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। पेपर ना तो बहुत सरल था ना ही बहुत टफ था, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने
एग्जाम काफी अच्छा दिया है, हिंदी काफी सरल था, रीजनिंग काफी सरल था। हाँ वही जो सेकंड पेपर का जीएस था वही कुछ टफ था, और आपका जो काउंसलिंग होगा वो एक तरह से जनरल रैंक पे होगा। तो हम केवल एक कट ऑफ की बात करेंगे, जो 250 नंबर अर्थात 125 प्रश्न जो इस आंकड़े के ऊपर होगा, जो 125 प्रश्न और 250 नंबर के आंकड़े के ऊपर होगा उसी को सरकारी सीट मिलने की संभावना है। और यह जो मैं बता रहा हूं ये जरूरी नहीं यही हो, अभी रिजल्ट नहीं आया है, यह एक अनुमान किया गया है। और एससी एसटी के लिए यह नंबर और कम हो सकता है, उनके लिए लगभग 115 प्रश्न हो सकते हैं, 115 प्रश्न 230 नंबर का। ओबीसी और जनरल के लिए समझ लीजिए बहुत ही कम मार्जिन होगा कट ऑफ का, और ओबीसी जनरल अपने आप को 125-30 प्रश्न के ऊपर ही मान के चले, एससी एसटी के लिए 115 से 120 क्वेश्चन, यह आपका कट ऑफ होगा। यह एक अनुमान किया गया कट ऑफ है, यह कोई सरकारी या वेबसाइट द्वारा जारी कट ऑफ नहीं है, इसे अनुमान किया गया है। इसके बाद आता है काउंसलिंग का नंबर। तो विश्वविद्यालय ने हाल ही में यह बताया है कि 15 मई तक रिजल्ट जारी होने के बाद एक जून से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले सरकारी सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कई चरणों में होगी। तो काउंसलिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपको अगर आपको लगता है कि आपका रैंक अच्छा आएगा तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें तैयार कर लीजिए, जो नहीं है उसे बनवा लीजिए। इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगते हैं जिन्हें बनने में काफी समय लगता है, और अगर आपके पास नहीं है और समय कम होता है तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही यह सभी डॉक्यूमेंट बनवा ले। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो, मैं नंबर वाइज लिख दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए, और आपके पास अगर हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो फोटो होगा ये पासपोर्ट साइज फोटो, ये फोटो आप लगभग 15 से 16 फोटो आप ले लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में अलग फोटो लगेगा, फिर उसके बाद एडमिशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, तो हर जगह अलग अलग, फिर कॉलेज में काउंसलिंग के समय जब आपका एडमिशन होगा तो अतिरिक्त भी फोटो लिया जाता है, तो आप लगभग 16 फोटो ले लीजिए, फोटो ज्यादा पुराना ना हो। इसके बाद आपके पास 3 प्रमाण पत्र, इसमें एक है आपका आय प्रमाण पत्र, दूसरा है आपका जाति प्रमाण पत्र, और तीसरा आपका है निवास प्रमाण पत्र। यह तीनों प्रमाण पत्र है। तो आप जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, जनरल जो कैटेगरी के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, आप जनरल के लिए निवास और आय प्रमाण पत्र, जनरल के लिए निवास और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। और यह सभी यह तीनों प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर आपके पास इससे पुराना हो तो आप इसे अभी बनवा लीजिए, अभी काफी समय है। आय, जाति और निवास, आय प्रमाण पत्र आपका 2 लाख से कम होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका 2 लाख से कम होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में आपके निवास प्रमाण पत्र में आपका निवास स्थान, आपका मकान संख्या, ये सारी जानकारी होती है। तो यह तीनों प्रमाण पत्र आप अपना रेडी रखिए, ये आपको लगता है आपको सरकारी कार्य मिलेगा या कोई भी प्राइवेट कार्य, उसमें भी काउंसलिंग होगी और ये सभी चीजें आपको वहां चाहेगा। आगे हम देखते हैं 5वें नंबर पे, तो वह है हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट। अभी जो मार्कशीट आ रहा है उसमें दोनों कंबाइंड आ रहा है, जो कुछ वर्ष पहले हाई स्कूल पास किए हैं तो उनका दो होता है, एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, उनके लिए वो दोनों चाहिए, और जो हाल ही में हाई स्कूल पास किए हैं उनके लिए केवल एक मार्कशीट होता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं एक ही मार्कशीट में होता है। तो ये हो गया आपका हाई स्कूल का मार्कशीट।
आगे आपका है 12th कक्षा 12 की मार्कशीट, यह आपके लिए जरूरी है, हाई स्कूल का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म डाला है, तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो बीए तो आपका फर्स्ट ईयर यूजी का कर रहे हैं आप अंडर ग्रेजुएट, उसका आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। यदि रिजल्ट नहीं आया है तो जो रिजल्ट सरकारी वेबसाइट पे आता है उसी निकलवाकर आपको अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रिंसिपल से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। तो अगर आपका रिजल्ट आपके कॉलेज में नहीं आया है मार्कशीट, तो आप सरकारी जो सरकारी वेबसाइट पे मार्कशीट होती है उसे निकलवा के अपने प्रिंसिपल से प्रमाणित करवा लीजिए। तो ये हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट, और पीजी के लिए भी यही चीज है, जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट उनके लिए भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट होगी। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे उनका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, तो वो उनका मार्कशीट जिस प्रकार होगा वो अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखे। इसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, यदि आपके आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उससे रखे रहिए, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। आगे देखते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्जाम के समय आपने जो एडमिट कार्ड ले गए थे कॉलेज में जहां पे आपका एग्जाम सेंटर था, वह एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, काउंसलिंग में वो जरूर लगेगा। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड अनिवार्य है, यदि आपके पास वो खो गया है तो अभी भी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, वहां से आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद अगला नंबर आता है रिजल्ट का, जो आपका रिजल्ट आएगा 15 मई को आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी, इन सभी का ओरिजिनल कॉपी और तीन फोटो स्टेट, इसका फोटो स्टेट चाहिए आपको और बाकी सभी ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। ये हो गया आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड नीचे रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा बीएड एंट्रेंस का वो रिजल्ट। इसके बाद रैंक कार्ड, उसके बाद एक रैंक कार्ड आता है जिसमें आपका रैंक लिखा रहता है, तो आपको रैंक कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास रैंक कार्ड और रिजल्ट दोनों होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट के तीन तीन कॉपी चाहिए। और इसके बाद एक आएगा आपको काउंसलिंग लेटर, तो काउंसलिंग लेटर में आपको अस्थायी रूप से यह कहा जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपको हर्षपूर्वक सूचित किया जाता है कि आपका चयन इसके लिए हो गया है, आप काउंसलिंग करेंगे, फिर उसमें आप अपना कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज का क्रम रखेंगे, आपके घर के नजदीक जो कॉलेज होगा आप उसे लेना चाहते हैं तो वह आप क्रम भरेंगे। उसके बाद में दो ड्राफ्ट लगेगा, ड्राफ्ट दो होगा, यदि सरकारी कॉलेज है तो ड्राफ्ट दो लगेंगे, ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट होगा 500 रुपए का, एक होगा 5000 रुपए का। तो ये जो 500 रुपए का ड्राफ्ट होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा, यह आपका वापस नहीं होगा। यदि आपने कॉलेजों की कौशल को भर दिया है और आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये दो ड्राफ्ट होगा जो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। तो ये आपका जो 500 रुपए का ड्राफ्ट होगा ये आपका वापस नहीं होगा। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यह 5000 रुपए वाला ड्राफ्ट आपका वापस हो जाएगा। यह है सरकारी कॉलेज के लिए फीस। तो यह हो गया ड्राफ्ट, इतनी हो गई पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया, इतने चीज की आपकी आवश्यकता है। यह काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज भरेंगे। मैं आपसे कहा जाता हूं यदि आपका रैंक अच्छा है तो आप सरकारी कॉलेजों की संख्या लगभग 7-8 भरिए, क्योंकि यदि आपको पहला कॉलेज नहीं मिलता, नंबर एक वाला कॉलेज आपको नहीं मिलता तो नंबर दो वाला मिलेगा, तीन वाला, चार वाला, पांच वाला। यदि आपने केवल दो कॉलेज भराया और दोनों नहीं मिला, आपका रैंक भी लगभग 5000 समथिंग है और तीन कॉलेज आपने छोड़ दिया है तो हो सकता है ये दूसरे को मिल जाए। इसलिए आप लास्ट 6-7 तक कॉलेज जो आपके घर के नजदीक हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, उसको आप जरूर फिल कीजिए। और ये हो गया आपका पूरा काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद आएगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन में क्या क्या लगेगा यहाँ देख लीजिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो 15 चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट, यूजी अंडर ग्रेजुएट मतलब बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं उसकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, यदि उस समय तक मार्कशीट नहीं आई हुई है
तो जो इंटरनेट पे निकलती है मार्कशीट उसे आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रमाणित करवा लीजिए, पीजी की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रैंक कार्ड, काउंसिलिंग लेटर, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट दो होगा, एक 500 रुपए का, एक 5000 रुपए का, 500 वाला ड्राफ्ट आपका वापस नहीं होगा पैसा वो, अगर यदि आप कॉलेज नहीं लेना चाहते वो, और 5000 रुपए वाला आपका रिफंडेबल होगा। चलिए तो ये हो गया काउंसलिंग की प्रक्रिया। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद यदि आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज मिल गया फिर आपको एडमिशन कराना पड़ता है, तो ये सभी जो भी चीजें हैं जहां पे लिखाई गई थी इसके कॉपी आपके पास होने चाहिए, आप 2-4 कॉपी करवा लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर चीज महंगा होता है, आप जानते हैं, आपने बहुत बार काउंसलिंग कराया भी होगा, तो आपका जहां पहचान पर्चा नहीं होता वहां महंगा होता है, आप घर से इसको पूरा आप पहले से ही पूरा व्यवस्था आप कर लीजिए, मार्कशीट, उसका फोटो स्टेट, फोटो सब एक आप एक फाइल ले लीजिए, उसमें क्रमवाइज लगा दीजिए। चलिए देखते हैं हम एडमिशन, एडमिशन में क्या होगा आपका, एडमिशन आपने कब, आपने कॉलेज को लॉक कर दिया, आपको कॉलेज मिल गया, तो वहां पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे आपको टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, और जो डिग्री होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि डिग्री बाद में मिलता है, एक अस्थायी डिग्री होता है, यदि वो लगेगा तो आपको बनवाना पड़ेगा, आप अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करके उसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सीट अलॉटमेंट है, जो आपने सीट को, जो आपने कॉलेजों के क्रम को भरा था उसमें से जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका एक लेटर आता है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आप निकाल देंगे इंटरनेट से, चरित्र प्रमाण पत्र, पीसी आपको कॉलेज से मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर जो रहेगा आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपके जिले के सरकारी अस्पताल से या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एडमिशन के समय वो लगेगा, यदि आप सरकारी अस्पताल में जाके बनवाते हैं तो उसका मामूली फीस है, अब 34-35 रुपए में ये बन जाएगा हेल्थ सर्टिफिकेट, इसे आप बनवा लीजिए, अलॉटमेंट लेटर, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, यह आपका एडमिशन में लगेगा। तो यह पूरी प्रक्रिया है आपकी काउंसलिंग एडमिशन की, और इसके साथ ही मैं आप सभी जितने लोगों ने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए और आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। सरकारी कॉलेज का फीस बहुत ही कम होता है, आप पूरा बीएड लगभग 15-20 हजार रुपए में कर लेते हैं, स्कॉलरशिप भी आता है आपका सरकारी कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज का फीस लगभग 1-1.5 लाख लग जाता है, और उसका जो स्कॉलरशिप आता है ये निश्चित नहीं होता कि आएगा या नहीं आएगा, और जिसका एग्जाम अच्छा हुआ है तो उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आप जल्दी से जल्दी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, आपका बीएड सब तक खत्म हो जाए, आप टेट सीटेट क्वालिफाई हो जाए और जल्दी से आप टीचर बन जाए। यदि आप ये वीडियो जो भी देख रहे हैं यदि वो बीएड और बीटीसी कर चुके हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेट सीटेट सुपर टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए आप बिना स्पेस के दुर्गेश सर आप जाइए टेलीग्राम ऐप पे, वहां पे आप बिना स्पेस के दुर्गेश सर लिखेंगे वहां पे एक चैनल आएगा, एक ग्रुप आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, उससे जुड़ जाइए आप, सभी महत्वपूर्ण तथ्य नोट्स आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।